हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रुप के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। यानी आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप। यानी ग्रुप का जो जनरल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप का जो पहला प्रॉपर्टीज है यानी ग्रुप कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करता है। यानी कि कैंसिलेशन लॉ इन ए ग्रुप, यानी कैंसिलेशन लॉ किस ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होता है। और मैंने ग्रुप थ्योरी में आपको बताया था कि दो टाइप का कैंसिलेशन लॉ होता है, एक लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, एक राइट कैंसिलेशन लॉ। तो इसका मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ, स्टेटमेंट कि कैंसिलेशन लॉ का किस प्रकार का स्टेटमेंट होगा। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि इफ ए बी सी कोई तीन एलिमेंट आपके पास दिया हो और वह ग्रुप जी में हो, देन क्या हो जाएगा, इसका जो पहला कंडीशन होगा ए बी इक्वल्स टू ए सी। देखिए ये ए ए लेफ्ट साइड में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी बी इक्वल्स टू सी बचेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, इसको हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलेंगे। और देखिए हम लोग का जो दूसरा पॉइंट है वो हम लोग का होता है बी ए इक्वल्स टू सी ए, यहाँ पर ए कैंसिल हो जाता है यानी बी इक्वल्स टू सी, ये होता है हम लोग का राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। अब आइए हम लोग इसके दूसरे प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि इसका दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा प्रॉपर्टीज होता है कि ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। तो जो ग्रुप थ्योरी में क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। अब हम लोग इसके तीसरे प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज इसका यह है कि जो इसमें इनवर्स एलिमेंट होता है वो भी यूनिक होता है। द इनवर्स एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। यानी क्या फ्रेंड्स, जो इनवर्स एलिमेंट होता है वह भी यूनिक होता है। अब इसका जो चौथा प्रॉपर्टीज है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको आपको एकदम याद रखना है क्योंकि ग्रुप थ्योरी टू जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका बहुत जगह पर हम लोग यूज करने वाले हैं। इसका जो चौथा प्रॉपर्टीज है वह ए बी अगर जी पर बिलोंग करता है, देन देखिए फ्रेंड्स, ए बी का पूरा पूरी होल इनवर्स अगर करते हैं तो पहले क्या हो जाता है, लास्ट में जो एलिमेंट है पहले उसका इनवर्स होता है, उसके बाद फर्स्ट में जो है उसका इनवर्स होता है। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही यानी बोलिया जाए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टीज है ग्रुप थ्योरी का, क्योंकि ग्रुप थ्योरी अगर टू हम लोग पढ़ेंगे तो ये प्रॉपर्टीज का बहुत सारा जगह पर यूज होगा। आप इसको याद रखिए फ्रेंड्स, कहीं अगर ए बी का अगर हम लोग इन्वर्स करेंगे तो यह होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, इसको आप एकदम कस्टम टू मेमोरी सीटीएम यानी आप इसको माइंड में एकदम फिट रखिएगा, तब जाके आपका कुछ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ग्रुप थ्योरी टू में इसका यूज बहुत सारा जगह पर है। तो यही था हम लोग का जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, और अगला जो लेक्चर होगा हम लोग उसमें सब ग्रुप और सब ग्रुप के प्रॉपर्टीज को देखेंगे। और मैं आपको ज़्यादा सब ग्रुप के प्रॉपर्टीज का नहीं बल्कि एक सब ग्रुप के प्रॉपर्टीज को बताऊंगा जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपको अच्छी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।